नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं स्कारलेट विच का एपिसोड 3। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लास्टोर विवियन विजन को स्कारलेट विच के पास लाता है, क्योंकि विवियन को कुछ समय से बुरे सपने आ रहे थे। स्कारलेट विच इस बात की गहराई तक पहुंचती है और पता करती है कि नाइटमेयर की बेटी ड्रीम क्वीन इसके पीछे है। इसलिए स्कारलेट विच ड्रीम क्वीन से विवियन को बचाती है और वापस ले आती है। तो वही दूसरी ओर बारहवीं नो नेम में सिंथिया अटैक कर देती है। अब आगे ऑल रेड गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम वांडा और डार्सी को वॉक करते हुए देखते हैं कि तभी डार्सी वांडा से कहती है कि मैं उस लास्टोर से गई थी और मेरे साथ क्या हुआ था ये मैं बता नहीं सकती हूँ। जिस पर वांडा डार्सी से कहती है कि ये तुम्हारी कहानी है और तुम जब चाहे तब मुझे बता सकती हो। ये कहते हैं डार्सी और वांडा अपने शॉप में आ जाते हैं, लेकिन तभी वे देखते हैं कि उनके शॉप में पहले से ही पोलारिस बैठी हुई थी। अब आप जानते नहीं होंगे कि पोलारिस कौन है। तो वेल, पोलारिस मैग्नेटो की बेटी और स्कारलेट विच की बहन है। तभी पोलारिस वांडा से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई सवाल थे ना। जिस पर वांडा पोलारिस से कहती है हाँ है, लेकिन उससे पहले गले लगे। ये कहते ही वांडा और पोलारिस एक दूसरे को हग करते हैं। तभी डार्सी पोलारिस को देखती है जिसने कमरे के अंदर सनग्लासेस पहने थे, और इसलिए डार्सी पोलारिस से कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि वांडा के फैमिली में इतने स्टाइलिश लोग भी है। तभी पोलारिस वही स्टोन लेती है जो वांडा ने एपिसोड 1 में जानेट से लिया था और उस स्टोन की जांच करती है। तभी पोलारिस उस स्टोन को देखती है और कहती है कि ये स्टोन बहुत अलग है और ये अनस्टेबल हो रहे है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है जैसे कि मिस्टीरियम, लेकिन बहुत ही कम। तभी डार्सी पोलारिस से पूछती है कि ये मिस्टीरियम वही मेटल है ना जो म्यूटन के पास है। जिस पर पोलारिस हाँ कहती है। तभी पोलारिस और वांडा स्टोन को लेकर आगे बात करने लगते है, लेकिन तभी उन्हें लास्ट डोर के खुलने की आवाज आती है। तभी वो लास्ट डोर खुल जाता है, लेकिन उसमें से कोई बाहर नहीं आता है। ये देखकर पोलारिस वांडा से कहती है कि तुम्हारी इंटर्न लास्ट डोर बनकर तो भूल गई। जिस पर वांडा पोलारिस से कहती है कि नहीं, लास्ट डोर सिर्फ उनके सामने खुलता है जिन्हें इनकी जरूरत होती है। तो फिर यहाँ ऐसा कौन है जिसे इसकी जरूरत है। ये कहते ही वे तीनों सोचने लगते है और लास्ट डोर वैसे ही ओपन था। तभी डार्सी वांडा से पूछती है कि कहीं इनविजिबल वुमन तो यहाँ नहीं आई। जिस पर पोलारिस वांडा से कहती है कि मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड महसूस हो रही है। ये सुनने के बाद वांडा अलर्ट हो जाती है और डार्सी से कहती है कि यहाँ कोई इनविजिबल पावर है, और यह कहते ही वांडा अपनी पावर से देखने लगती है। तभी वांडा कहती है आईस ऑफ ओडुमोरिया ने सच बता दिया है, और वो सच ये है कि यहाँ कोई मैटर नहीं है बल्कि एस्ट्रल सिग्नेचर है, और वो भी बहुत छोटा, लेकिन अब भी जिंदा है। तब यह सुनने के बाद डार्सी वांडा और पोलारिस से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। जिस पर वांडा डार्सी से कहती है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे सिस्टर्स की बात है। ये कहते ही पोलारिस और वांडा वहाँ से चले जाते हैं। तभी ये देखकर डार्सी कहती है कि ठीक है, मैं शॉप संभालती हूँ, और ये कहते ही वो चल जाती है। लेकिन लास्ट डोर अभी तक खुला था। फिर हम टाइनीवर्स देखते हैं। ये टाइनीवर्स कोई और नहीं बल्कि एमसीयू में क्वांटम रियलम के नाम से जाना जाता है। तभी हमें वहाँ पर एक औरत नजर आती है जो वांडा और पोलारिस से कहती है कि ये कोई सपना नहीं है, मैं अब तक मर चुकी हूँ, मुझे याद है कि धमाका हुआ था और फिर अचानक से मैं यहाँ हूँ, लेकिन तुम कौन हो और मैं ये भाषा में कैसे बात कर सकती हूँ। जिस पर वांडा उस औरत से कहती है कि मैंने ही इस स्टोर पे एन्चेंटमेंट लगाया था जिससे कोई भी भाषा समझ में आए, और वैसे मेरा नाम है वांडा और ये है पोलारिस, और तुम लास्ट स्टोर से आई हो। तभी वो औरत नीचे गिर जाती है और कहती है कि मेरा नाम मार्ज है और मैं ट्राइफा से हूँ, और हमारे सब एटमिका पर निलियंस नाम के नॉर्मेडिक कॉन्करर ने हमला किया था। हम उस हमले को रोक नहीं पाए और अब मैं ही सरवाइव कर पाई हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर स्वॉर्ड इन स्टार है जिसने हमारी दुनिया बनाई, और अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं अपने लोगों को फिर से उम्मीद दे सकती हूँ, हम इन निलियंस को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तब वो स्वॉर्ड वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये सुनने के बाद स्कारलेट विच
उस औरत की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद स्कारलेट विच और पोलारिस मिलकर वो स्वॉर्ड ढूंढने निकलते हैं और उस औरत को देते हैं, जिसके बाद वो निलेंस से लड़ती है और अपने लोगों को बचाती है और निलेंस को बाहर निकालती है। अब ये सब कुछ होने के बाद स्कारलेट विच और पोलारिस क्रको आ जाते हैं। तभी पोलारिस स्कारलेट विच से कहती है कि तुम्हारे साथ समय बिताने में मजा आ गया। ये कहते ही वे दोनों कॉफी पीने लगते हैं और ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद स्कारलेट विच फिर से अपने शॉप पर आ जाती है और देखती है कि उसके शॉप पर आग लगी हुई थी। तब ये देखकर स्कारलेट विच शॉप की ओर बढ़ने लगती है क्योंकि अंदर डार्सी थी। लेकिन जैसे ही स्कारलेट विच शॉप की ओर बढ़ने लगती है, वैसे ही वहाँ पर धमाका हो जाता है और तब स्कारलेट विच देखती है कि वहाँ पर कोई और आ चुका है। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर सिंथिया आई हुई थी, जिसने डार्सी को बेहोश किया था और वो अपने साथ से ले जा रही थी। तभी सिंथिया कहती है कि डार्सी हमारे इंसाफ से अब बच नहीं सकती है, उसका शरीर सिंथिया का है और जो डार्सी को बचाने आएगा उसे हमारा सामना करना पड़ेगा, फिर वो चाहे स्कारलेट विच हो या नहीं। तभी सिंथिया डार्सी को उठाकर ऊपर करती है और कहती है कि डार्सी लविस हमारी है, तो हमारे रास्ते से हट जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर स्कारलेट विच सिंथिया से कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये सुनते ही सिंथिया डार्सी को नीचे फेंक देती है। तभी स्कारलेट विच सिंथिया से कहती है कि मैंने तुम्हारे सोसाइटी के बारे में सुना है जो औरतों की और पीड़ितों की मदद करती है, और अगर ऐसा है तो हमें मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन तुम तो मेरे दोस्त को मारने आई हो, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने कैसे दूँ। जिस पर सिंथिया स्कारलेट विच से कहती है कि तुम्हें क्या लगा ये डार्सी शरीफ है, चलो मैं तुम्हें डार्सी की सच्चाई बताती हूँ। तभी सिंथिया कहती है कि बहुत पहले से मैं हिपोलिटा अपने एमेजोनियंस को लीड करते आ रही हूँ और फिर मैंने ही ये सोसाइटी बनाई थी इन जाली मर्दों से लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि डार्सी ने एक आदमी को मार डाला था जिसने डार्सी के बॉयफ्रेंड को मारना चाहा। तभी आगे सिंथिया कहती है कि हमने अपनी सोसाइटी के कई सारे सेक्टर्स बना दिए हैं और कुछ इन्हीं सेक्टर के लोगों ने डार्सी को देख लिया और उसे अपने साथ हमारे सोसाइटी का मेंबर बना दिया, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये सब डार्सी का जाल था जो उसने खींचा के रखा था ताकि हम फंस जाए, और हम फंस भी गए। तभी हम डार्सी को देखते हैं जिसके हाथ में भाला था और सामने लाश पड़ी हुई थी। तभी आगे सिंथिया कहती है कि डार्सी ने डॉटर ऑफ एनियो को मार डाला और यहाँ से भाग निकली, लेकिन मैंने उसे ढूंढ निकाला और मारने वाली थी कि तभी वो एक डोर से भाग गई, लेकिन अब मैंने डार्सी को ढूंढ लिया है और मैं उसके गुनाहों की उसे सजा दूंगी। तभी डार्सी को होश आता है और वो देखती है कि सिंथिया का ब्लेड उसके फेस पर था। तभी डार्सी वहाँ से उठकर भागने लगती है और तब स्कारलेट विच डार्सी के लिए एक पोर्टल खोल देती है जिसमें से डार्सी चली जाती है और स्कारलेट विच के पीछे आकर छुप जाती है। तभी सिंथिया वो स्टोन उठा लेती है और स्कारलेट विच से कहती है कि डार्सी ने इस स्टोन से मुझे रोकना चाहा, लेकिन ये स्टोन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिस पर डार्सी सिंथिया से कहती है कि तुम्हारी डॉटर्स ऑफ एनलियो हत्यारे थे, क्या तुम्हें ये पता नहीं। जिस पर स्कारलेट विच डार्सी को शांत रहने को कहती है। तभी स्कारलेट विच सिंथिया से कहती है कि मैं डार्सी को जानती हूँ और अगर उसने तुम्हारे सेक्टर के किसी को मारा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। लेकिन तभी सिंथिया स्कारलेट विच पे अटैक करती है, पर उससे स्कारलेट विच को कुछ नहीं होता है। तभी सिंथिया स्कारलेट विच से कहती है कि मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ खून के बदले खून के लिए आई हूँ। ये कहते ही सिंथिया अपना ब्लेड जमीन पर मारती है और वहाँ सब कुछ तोड़ देती है। तभी स्कारलेट विच अपने स्पेल से सिंथिया को रोकने जाती है, लेकिन इससे पहले कि स्कारलेट विच कोई स्पेल पढ़ सके, सिंथिया स्कारलेट विच को जोरदार पंच मारती है। तभी स्कारलेट विच सिंथिया से कहती है कि तुम्हारा वार देख लिया, अब मेरी बारी। ये कहते ही स्कारलेट विच सिंथिया के आसपास फिर से शॉप बना देती है और सिंथिया को अंदर बंद कर देती है। लेकिन तभी सिंथिया बाहर आ जाती है और स्कारलेट विच पर अटैक कर देती है। ये देखकर स्कारलेट विच डार्सी को वहां से भागने के लिए कहती है और डार्सी वहां से भागने लगती है। तभी सिंथिया अपने ब्लेड स्कारलेट विच के पेट में घुसाती है, लेकिन उससे स्कारलेट विच को कुछ नहीं होता है। तभी सिंथिया पास की बिल्डिंग को तोड़ देती है जिसमें बहुत सारे लोग थे और स्कारलेट विच से कहती है कि अब तुम क्या करोगी। ये सुनते ही स्कारलेट विच देखती है कि वो लोगों से भरी हुई बिल्डिंग गिरने लगी थी, लेकिन स्कारलेट विच उन सारे लोगों को बचा कर लाती है और बिल्डिंग को तोड़ देती है। तभी स्कारलेट विच उन लोगों के हाथों पर कुछ मैजिक करती है और कहती है कि तुम्हारा जो नुकसान हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन अब जाके
तुम अपने हाथों से जो भी लॉटरी उठाओगे उसमें तुम जीत जाओगे। तभी स्कारलेट विच लोगों से बात करने में बिजी थी कि तभी सिंथिया स्कारलेट विच पर अटैक करती है और स्कारलेट विच को उठाकर दूर फेंकती है, जिसके कारण स्कारलेट विच थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन तभी सिंथिया वही स्टोन स्कारलेट विच पर मारती है जो स्कारलेट विच को डैमेज कर देता है। तभी सिंथिया स्कारलेट विच के पास आती है और कहती है कि एक बार मैं डासी को मार डालूं, उसके बाद हम दुश्मन नहीं रहेंगे। लेकिन तभी स्कारलेट विच सिंथिया के पैर के नीचे एक पोर्टल खोल देती है, जिसके कारण सिंथिया पूरे टाउन के बाहर गिर जाती है। तभी टाउन के बाहर गिरने के बाद सिंथिया फिर से टाउन में घुसने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि स्कारलेट विच ने उस टाउन पर स्पेल लगा दिया था, जिसके कारण सिंथिया अब टाउन में घुस नहीं सकती थी। यहाँ स्कारलेट विच डार्सी से कहती है कि ये स्टोन अब और भी परेशानी बनते जा रहा है, इसलिए मुझे इसके बारे में जानना होगा। तभी डार्सी स्कारलेट विच से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरे कारण ही ये मुसीबत तुम्हारे दरवाजे पर आ गई। मैं जब वहां से भाग रही थी तब यह लास्ट स्टोन मेरे सामने आ गया और मैं यहाँ आ गई। लेकिन सिंथिया सही है, मैं उसकी सोसाइटी में छुप कर घुसी थी क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे स्टोरी चाहिए थी, इसलिए मैं वहाँ गई थी। मैंने वहाँ घुसकर पता कर लिया कि वे लोग किसी भी गुनाह पर सीधा मार डालते हैं और वे यही एक्सपोज करने वाली थी, लेकिन फिर उन्हें मेरा राज पता चल गया, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। मैंने तो बस जो कुछ भी किया है वो अपने बचाव में किया है। ये सुनने के बाद स्कारलेट विच डार्सी को शांत रहने को कहती है। तभी हम देखते हैं कि टाउन के बाहर सिंथिया ने टाउन के अंदर घुसने के लिए एक सुरंग बना दी थी, और तब सिंथिया देखती है कि वहाँ पर भी वही स्टोन्स थे जो स्कारलेट विच के पावर्स को कमजोर कर सकते हैं। तभी सिंथिया उन्हीं स्टोन्स का इस्तेमाल करके अपने लिए नया आर्मर बनाती है और कहती है कि अब मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकोगी। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।